जो जगह हर वक्त बर्फ से ढकी रहती है, आइस से ढकी रहती है, वो जगह इसमें आपको पढ़ाई बताई जाएंगी। नीचे से दिखा हुआ है ना ग्रीन लैंड, तो उसके बारे में आज बातचीत चलेगी चैप्टर नंबर 5 में। तो फर्स्ट वन इसमें है, हमें इसमें चैप्टर में क्या क्या कवर करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा वो है। फर्स्ट वन है द लोकेशन ऑफ ग्रीन लैंड, ग्रीन लैंड कहाँ मौजूद है, कहाँ स्थित है, इसके बारे में पता चलेगा। यहाँ का था क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी क्लाइमेट कैसी है, वेजिटेशन कैसा है और वाइल्ड लाइफ कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज, ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज किए जाते हैं, यातायात के लिए क्या यूज किया जाता है, इसमें वो पढ़ेंगे हम। लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन ग्रीन लैंड, जो लोग ग्रीन लैंड में रहते हैं उनका जीवन कैसा है। मेजर सिटीज ऑफ ग्रीन लैंड, और मुख्य शहर कौन से हैं ग्रीन लैंड के, यानी कि जो जमे जगह स्नो और आइस से घिरी रहती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे वहाँ सिटी वगैरह कैसे हैं, इनके बारे में बातचीत चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसमें हम। लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, द पॉपुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जितने भी ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि जो क्षेत्र नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आपको देखने को मिलते हैं, उनकी बात चल रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले क्षेत्र आपको पता ही है कि ये सब बर्फ से अवर्त ढके रहते हैं, घिरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ सनलाइट पहुँचती नहीं है, पहुँचती है तो बहुत कम पहुँचती है, इसलिए यहाँ पे सर्दी यानी कि कोल्ड ज़्यादा रहता है। तो ये रीजन आपको आर्कटिक सर्किल नॉर्थ में, और जैसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और अंटार्कटिक सर्किल जैसे हम साउथ पोल या साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये जो ऊपर जो क्षेत्र बताया जाता है, हमने मैप में देखा होगा अर्थ के, इस तरह से अर्थ है, ठीक है, ये क्षेत्र जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर में, ऐसे डिवाइड किया हुआ है अर्थ को। ये अर्थ एकदम स्ट्रेट लाइन पर चुकी हुई है, तो ये वाला क्षेत्र ज्यादातर पोल मानते हैं, जहाँ पे इमेजिनरी लाइन निकलती है अर्थ की, ठीक है, जिसको हम मेरिडियन बोलते हैं। ईस्ट और वेस्ट में बांटती है, ठीक है, और ये होता है इक्वेटर, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बांटता है इसको, ठीक है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पोल है ये दोनों, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से, जैसे ट्रॉपिक ऑफ, ये ऊपर वाला जो है आर्कटिक सर्किल बोल जाता है, ये आर्कटिक सर्किल है, यहाँ पे ये आर्कटिक सर्किल होता है और ये एंटार्कटिक सर्किल है, ठीक है। इसके बीच में जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा क्षेत्र क्या है, हर वक्त बर्फ से ढका जाता है, इसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो ये क्षेत्र जो ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नीचे वाला पोर्शन पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये नॉर्दर्न ये साउदर्न ये बटा हुआ है आपस में। तो ये क्षेत्र आता है जो हर वक्त बर्फ से ढका रहता है। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका लाइज इन द साउथ पोलर रीजन, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोलर रीजन यानी कि निचले वाले क्षेत्र में आता है। Whereas part of Asia, Europe and North America constitute the Arctic region in the Northern Hemisphere. इसमें जो Northern Hemisphere है, इसमें कुछ एशिया का हिस्सा आता है, यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का, इनमें तीन हिस्से आते हैं, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और नीचे वाला जो आर्कटिक एटलांटिक एंटार्कटिका है, जो कॉन्टिनेंट वो साउथ वाले में आता है। दीज एरियाज रिमेन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड आर कवर्ड विद स्नो एंड आइस मोस्ट ऑफ द ईयर। ये क्षेत्र हैं बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं और हर वक्त पूरी साल लगभग बर्फ से ढके रहते हैं। ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ द आर्कटिक रीजन, जो ग्रीनलैंड हिस्सा है वो किसका है, आर्कटिक रीजन का, आर्कटिक रीजन यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला इस क्षेत्र का हिस्सा बताया गया है। जो ग्रीनलैंड है इसकी बात चल रही है चैप्टर से रिलेटेड, वो कौन क्षेत्र में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर पाया जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा लोकेशन ग्रीनलैंड की कहाँ पे। आगे लोकेशन, अब लोकेशन के बारे में बताया गया है, ग्रीनलैंड इज एन आइलैंड, इनफैक्ट ये एक द्वीप है, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इसको सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है विश्व में। इट इज लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशन, ये आर्कटिक कॉन्टिनेंट सॉरी आर्कटिक
रीजन और अटलांटिक ओशन के मध्य में पड़ता है। दो इट इज क्लोजर टू नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका काफी पास है। द आइलैंड इज गवर्न बाई डेनमार्क, यहाँ पे डेनमार्क की सरकार चलती है। ग्रीनलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका बाई द बैफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट। ग्रीनलैंड को नॉर्थ जो नॉर्थ अमेरिका के पार्ट से किससे अलग होता है, बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी और डेविस स्ट्रेट ये बीच जगह है, इनके द्वारा इनको अलग किया जाता है। द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड अबाउट 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द आईलैंड। जो नॉर्थ पोल है उसकी स्थिति लगभग 650 किलोमीटर है, जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द आईलैंड यानी सबसे ऊपर वाली टिप है उससे 650 किलोमीटर की दूरी पे है। द वाटर बॉडीज दैट वाटर द आईलैंड आर, जो यहाँ पे पानी की बॉडी यानी कि समुद्र वगैरह जो है वो कौन से हैं, कुछ ओशन भी हैं, कुछ सी भी हैं, कुछ बे यानी कि खाड़ी वगैरह भी हैं। इसमें है द अटलांटिक ओशन, साउथ ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, साउथ ईस्ट में भी डेनमार्क स्टेट मिल जाएगा, वेस्ट में आपको डेविस स्टेट मिलेगा और वेस्ट में बैफिन बे भी मिल जाएगा, ईस्ट में ग्रीनलैंड सी मिलेगा, नॉर्थ में लिंकोल्न सी मिलेगा और नॉर्थ में ही आर्कटिक ओशन मिल जाएगा। ये सब वाटर बॉडीज हैं, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं वो आपको कवर किए हुए हैं, किसको, ग्रीनलैंड को। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, जितना बताया उसको आप समझ लीजिए और जो मैप से समझाया उसको भी समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको